मुझे लगता है मेरा पति आ गया। एक काम करना, तुम ना चुपचाप ऐसे बैठे रहना। शालू मैं आ गया। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। और ये कौन सी नई चीज आ गई हमारे घर में? अरे ये ना मेरी फ्रेंड की ना मूर्ति है, वो आज कहीं गई है तो वो ना मेरे यहाँ पे रख के गई है, कह रही मैं ना कुछ दिन बाद आऊंगी तो मैं तेरे यहाँ से ले जाऊंगी। ये बड़ी ही अजीब मूर्ति लग रही है। नई और पुरानी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला इसको ना इस तरह से ढककर रखना, इसको छूना मत क्योंकि ये बहुत महंगी मूर्ति है। जरा हम भी तो देखें ये कितनी महंगी मूर्ति है। अरे नहीं 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 नहीं, इसको हाथ मत लगाना, उसने ना मुझे बहुत मना किया कि इसको छूना मत, अगर इस पे हल्की सी भी स्क्रैच आ गई ना तो वो मेरी जान खा जाएगी। तुम्हारी फ्रेंड ने कौन सा कैमरा लगा रखा है जो यहाँ पे आके देख लेगी, और मैं हल्का सा पर्दा हटा के देखूंगा उसके बाद इसको वापस रख दूंगा। देखो मैं तुमसे मना करती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे मूर्ति नहीं देखने दूंगी, क्योंकि वो मेरे पास ना मूर्ति को बहुत विश्वास के साथ रख के गई है, और अगर मैंने तुम्हें देखने दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और तुम्हें पता है ये मूर्ति ना पूरे 6 लाख रुपए की है, अगर इस पे इतनी सी भी स्क्रैच आ गई ना तो वो मेरी जान खा जाएगी। शालू तुम्हें तो पता ही है ना मुझे बचपन से मूर्ति बनाने का कितना बड़ा शौक है, लेकिन यार बाहर जाने के बाद ना ये सारे शौक मेरे अधूरे रह गए, लेकिन आज तो मैं इस मूर्ति को देख के ही रहूंगा। देखो मैं तुमसे साफ साफ मना कर रही हूँ कि मैं तुम्हें ये मूर्ति नहीं देखने दूंगी, और अगर तुमने मुझसे ज्यादा जिद करी ना तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। और हाँ मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं करती ना, तो तुम भी मेरे दोस्त और मेरे काम में ना दखलंदाजी बिल्कुल भी मत करो। पता नहीं इस मूर्ति में इतना क्या है जो तुम मुझे देखने के लिए नहीं दे रही। चलो कोई बात नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ, तुम मिलिए चाय बना के ले आओ। ठीक है तुम ना वहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे चाय पीने की इतनी जल्दी भी क्या है? भैया आप इतनी देर से फ्रिज के पीछे क्या कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आ गए हो तो साथ बैठकर चाय पी लेते हैं। अरे मेरे ना फ्रिज के नीचे ना पैसे गिर गए थे, और वैसे भी तेरे को चाय पीने की इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी सच्चाई तो सुन ले। सच्चाई? कौन सी सच्चाई भैया, जो बताना ना साफ साफ बताओ। सच्चाई ये कपड़े के पीछे ना कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, तेरी बहू का ना आशिक छुपा हुआ है, समझा? भैया ये क्या कह रहे हो आप, और पता है ये आपकी ना बेटी जैसी लगती है, और आप इसके बारे में ऐसे ऐसी बात कर रहे हो? अगर मेरी बातों पे यकीन ही है ना तो जरा कपड़ा हटा के देख, कपड़ा ना तेरी आंखों पे है, मूर्ति पे नहीं, समझा? भैया मुझे ना अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप इतना कह रहे हो ना तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसका कपड़ा हटा कर देख ही लेता हूँ। देखा हटिया ना तेरी आंखों से पर्दा, इस पर्दे के पीछे कितनी अच्छी सच्चाई छुपी हुई थी। शालू मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, यार अगर तुम्हें इससे प्यार था तो तुम मुझे बता देती, मैं ही दूर हो जाता। नहीं नहीं रोहित, जैसे तुम समझ रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, ये ना मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, और मैंने ना तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कहीं तुम गुस्सा करने लगो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे ये तुम क्या कह रही हो, पति के हाथ ही बदल गई, तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी। भाई मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। शादी? ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, मैं ना तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली थी, मेरी तो शादी पहले से हो रखी है, और मैं ना अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ में सिर्फ पैसों के लिए थी, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली। सुना नहीं तूने क्या कहा इसने, निकल मेरे घर से। हाँ हाँ क्या देख रहे हो यहाँ खड़े होके, सुना नहीं तुमने क्या कहा इन्होंने, निकलो यहाँ से। इसको नहीं मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, निकलो यहाँ से। ओए सुन, जब वो मेरी नहीं हो सकी तो तेरी क्या होगी, चल जा।